मेट्रो गेट नंबर ए के पास आप गाइस देख सकते हो 20-20 रुपीज़ में आपको ये सारे मिल जाएंगे, टॉप टी शर्ट शर्ट मिनी टॉप क्रॉप टॉप सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, 20 रुपए में टॉप टी शर्ट सेट निकालो मैडम, 20 रुपए में यार इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं मिलने वाला। 8 बजे के बाद 10 रुपए ये 10 रुपए में देने लगते हैं, जो 20 रुपए का टॉप टी शर्ट शर्ट जो भी है यहाँ पर मिल रहा है। बाकी 9 बजे के बाद आओगे तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो कितनी बड़ी मार्केट लगी है, ब्लेजर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, 100-100 रुपए की टॉप भी मिल जाएगी। ये देखे ऑल सीजन में आपको विंटर कलेक्शन भी देखने मिल जाता है, टॉप टी शर्ट शर्ट सब कुछ है। इधर भीड़ इतनी ज्यादा है गाइस। Everyone, welcome back to my channel. This side Kehkasha and you are watching the Kehkasha vlog. तो guys, mall के vlog हो गए जिसमें हमने जाना, अप टू 50% ऑफ चल रहा है हर ब्रांड पर, मतलब बड़े से बड़ा ब्रांड हो चाहे छोटे से छोटा ब्रांड हो, आपको अप टू 50% ऑफ मिलने वाला है। और ये अपडेट मैंने कल ही कर दिया था, तो जाकर देखो, विजिट करो मॉल्स में और अच्छे खासी शॉपिंग करो, बढ़िया सा ऑफर अभी भी अवेलेबल है। तो गाइज, जिस तरह से मॉल के ब्लॉग हो गए, तो मैं ना बहुत टाइम से लोकल मार्केट भी नहीं गई हूँ, तो दिल्ली की लोकल मार्केट तो आपको पता ही है बहुत ही अमेजिंग है और दुनिया भर में फेमस है। तो मैं सोच रही थी चलो आज विजिट कर ही लेते हैं और वहां पर ढूंढ के निकालते हैं कि आज वहां पर क्या नया और नया स्टॉक क्या आया है और रीजनेबल प्राइसेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सरोजनी के लेटेस्ट और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने 10 रुपए की टॉप ढूंढ निकाली थी, आज देखते हैं कि और मैं क्या निकाल सकती हूँ ढूंढकर और क्या अच्छी चीजें आ रही हैं। मतलब अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हम सरोजनी ही जा रहे हैं, बट जिस भी मार्केट में हम जाएंगे वहां पर क्या अच्छा मिलने वाला है सब आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपने शॉपिंग पार्टनर्स के पास, वहां पहुंचकर आपको मिलवाऊंगी हमारे साथ कौन कौन है और क्या क्या शॉपिंग हम करने वाले हैं, और बहुत सारी स्पेशल चीजें भी आपको देखने मिलेंगी, मजेदार चीजें भी देखने मिलेंगी और आपको ना थोड़ा सा लाइफ रूटीन और फ्रेंडशिप गोल भी देखने मिलेगा। तो चलो फटाक से विजिट करते हैं उनके पास और एक एक से मिलवाऊंगी। तो विदाउट गेटिंग लेट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो नोएडा से करोलबाग की जर्नी तय हो चुकी है एंड करोलबाग से अब हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट, और हमारी जो तीन तिगड़ी की ग्रुप है उनसे मैं मिलवाती हूँ आपको, और इन्होंने स्वागत किया है हमारा बड़ा से। मैडम हेलो, हाय। सो ये रेखा है जिसे आप मिल चुके हो, और और ये भूमि है जो रेखा की रूममेट है। ओके तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सरोजनी। ठीक है गाइस, देखो जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में देखा था कि ऑफर चल रहे हैं ब्रांड्स पर और हमने मॉल्स मॉल विजिट किया हुआ है, तो अब हम विजिट करेंगे लोकल मार्केट की, वहां पर क्या चीजें आ रही हैं नई स्टॉक में और क्या रेंज है। तो चलो आपको लेके चलते हैं और सरोजनी का सैर करवाते हैं। एवरीवन, सो आप देख सकते हैं मैंने इनके बालों को फूलों से सजा दिया है और ये फूल कभी भी निकल सकते हैं। बस ओके गाइस, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट, और करोलबाग से अगर आप सरोजनी नगर मार्केट जाते हो तो आपको राजौरी गार्डन के लिए पहले मेट्रो लेना होता है, फिर वहां से आप चेंज करते हो। तो अगर आप चाहो तो पहले राजौरी गार्डन पे एक्सप्लोर कर सकते हो, राजौरी होता है रजौरी होता है आई डोंट नो, तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया तो पता नहीं, हो सकता है कि मैं वहां चली जाऊं और वहां की मार्केट एक्सप्लोर करूं, तो देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, एंड थोड़ा एपिक मोमेंट हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो देखते रहिए, शायद हो सकता है कि मैं आपको आगे और सारे एपिक मोमेंट्स शेयर कर पाऊँ, तो बस देखते रहिएगा, एंड तक देख के जाइएगा और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट सब कुछ देखने मिलेगा। ठीक है, और अभी हमें वेट करना है 3 मिनट, 3 मिनट में आएगी मेट्रो, देन हम जाएंगे। और अभी हम हैं करोलबाग मेट्रो स्टेशन। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बोला था, क्या बोला था कि हमें सीट मिलेगी? नहीं, सीट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन जल्दी बोल दो, सीट मिल सकती है? नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, कत्ता ही नहीं मिल सकती। ये बच्ची दिखाना, मुझे तो दिखा, अरे वीडियो तो दिखाओ। कंटिन्यू, 100 रुपए के 5 मिल रहे हैं गाइस, यहाँ पर स्टार्टिंग की स्टॉल है और ये गेट नंबर 2 से हमने एग्जिट कर लिया है और थोड़ा शाम का माहौल है, तो चलो देख लेते हैं कितनी सारी बालियाँ अच्छी लगने वाली है हमें। 20 रुपए का एक दे देंगे। तो इधर जीन्स मिल रहे हैं, 50 रुपए की जीन्स है, ये भी देख सकते हो आप, इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, और ये 50-50 के मिल रहे हैं। जीन्स के साथ साथ आपको 1 पीस ड्रेसेस और फिर व्हाइट शर्ट भी है, टी शर्ट भी है। यार देखो ये कोरियन वाले नहीं लग रहे, कोरियन जैसे नहीं लग रहे? नहीं नहीं, ये सारे वाइट वाइट वाले डंगरी, अच्छा उसे डंगरी बोलते हैं, वही मैं कहूँ ये बोलते क्या है इसको, ओके गाइस जैसे डंगरी बोलते हैं, लग भी रहा है डंगर जैसा। इधर आपको टॉप टी शर्ट सब मिल जाएंगे 50-50 रुपए में, 50 का एक, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं बुक्स जो कि बहुत अच्छी अच्छी सी हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो। ईस्ट क्वीन अच्छा लग रहा है, बट कहते हैं डोंट जज बुक बाय हिज कवर,
बाकी इसका कवर ही अट्रैक्टिव है, बेकार सा लग रहा है। ये लो 100 रुपये, 5 लो, 1 लो, 100 रुपये का पेमेंट हो गया मैडम का। 2, 3, ये लो 100 रुपये, 5 लो, इयररिंग्स लो 100 रुपये, 5 लो, और ये 5, ये 5 पेयर मिले हैं 100 रुपीज के। सरोजनी में ना आप कुछ लो ना लो, लेकिन फ्रूट जरूर खाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरोजनी में अलग अलग फ्रूट्स, नए नए फ्रूट्स मिलते हैं, तो क्या आप खाना चाहोगे? हाँ, आप खा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह रेड मिर्ची खाते हैं तो बिल्कुल मत ट्राई करिएगा। स्पाइसी है, गर्म स्पाइसी है, ज्यादा है, बिल्कुल मत खाना भैया, बहुत तीखा हो रहा है, ओवर एक्टिंग कर रही हो। सच में स्पाइसी है, स्पाइसी तो है गाइस। तो आप अमरूद में मिर्ची मत डलवाना, बाकी यहाँ पे नए नए फ्रूट्स आप ट्राई कर सकते हो, लाइक ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, और भी बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं। आपको प्लेट से अकॉर्डिंग मिलेंगे 50-50 रुपीज। जैसे निकाल के देना है जिसमें मिर्ची ना लगी हो। अगर आप मेरी तरह मिर्ची नहीं खाते तो आप ऐसे रेड मिर्ची को ऐसे क्लीन कर ले दूसरे अमरूद में। दिखाओ 2020 में टॉप डिशेस सेट है मैडम। सारे टॉप गाइस 20-20 रुपए के हैं। यहाँ देख सकते हैं भीड़ भी बहुत सारी है। पिछली बार मैं 10 रुपए का लेकर गई थी और इस बार 20-20 रुपए में मिल रहे हैं। देख सकते हो मछली बाजार की तरह भीड़ है। और टॉप है, हाईनेक है, शर्ट है, मिनी टॉप, स्कर्ट सब मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, दिखाना, ये शर्ट है, ये शर्ट है 20-20 रुपीज। भैया लोकेशन का नाम बताना थोड़ा तेज से। मेट्रो गेट नंबर 1 के पास आप गाइस देख सकते हो 20-20 रुपीज में आपको ये सारे मिल जाएंगे, टॉप, टी शर्ट, शर्ट, मिनी टॉप, क्रॉप टॉप सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये भैया हैं, आप आकर देख सकते हो। 8 बजे का 10 क्या है ये? 8 बजे के बाद 10 रुपए कर देते हैं। 9 बजे के बाद फ्री, 1 घंटा। अच्छा, 9 बजे के बाद ही है। ओके, तो गाइज 8 बजे के बाद ये 10 रुपए में देने लगते हैं, जो 20 रुपए का टॉप, टी शर्ट, शर्ट जो भी है यहाँ पर मिल रहा है। बाकी 9 बजे के बाद आओगे तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, कलेक्शन दिखाओ रेखा। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए में आप क्या ले रहे हैं? उनका नाम बताओ। ठीक है, 20 रुपए में टॉप टी शर्ट सेट निकालो मैडम। यही करोल बाग में तहवे लगा के 50 रुपए में मिल जाएगा आपको। अच्छा, प्यारा लग रहा है। 9 बजे तक टहलते रहेंगे तो यहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा, तो गाइस सरोजनी नगर मार्केट में आपको टॉप, टी शर्ट, शर्ट जो भी इनके पास कलेक्शन है, मिनी टॉप, क्रॉप टॉप, स्कर्ट्स सब कुछ 10 रुपए में मिलेगा 8 बजे के बाद। अगर आप उसके पहले आ रहे हो तो आपको 20 रुपीज में मिलेगा, और 9 बजे आते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कलेक्शन भी, मैं और आगे आपको दिखा दूंगी। ठीक है, पर ही मिलेगा। हाँ, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, आप गूगल पर कर लोगे तो बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे अगर शॉर्ट्स डालूंगी तो वो जरूर हो जाएगी, यूट्यूब पर थोड़ा सा, गूगल पर आप सर्च करो द कहकशा व्लॉग, सेम ही नाम है भैया, सेम नाम है, आप देख लो। तो गाइस कलेक्शंस बहुत सारे हैं इनके पास, जैसे कि ये भी देखोगे कॉटन मटेरियल है, बढ़िया सा शर्ट है, तो आप विंटर्स सॉरी समर में डाल के कैरी कर सकते हो, प्यारा सा है। थोड़ा वॉश वॉश करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, बाकी उसके बाद 20 रुपए में काम हो जाएगा आपका। टॉप एंड ये क्या है, ओके, ये भी आपका मिनी क्रॉप टॉप है, उसके साथ साथ ये देख सकते हो ये 1-पीस ड्रेस है, वेरी नाइस, 20 रुपए में यार इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड इधर देख लो शर्ट भी मिल जाएगा, ओके ओके, 20 रुपए के लिए बहुत सही है। एंड ये देख सकते हो फ्रिल वाला शर्ट, एंड जो H&M एंड ट्रेंडिंग कलेक्शंस में आ रहा है वो ये वाला है, हाफ स्लीव है बट फुल स्लीव भी मिल जाएगा। तो इतने सारे कलेक्शन है, इनमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, कलेक्शन दिखा दे, कलेक्शन, अबे 20 रुपए। तो देख सकते हो भाई अभी यहाँ पर एक एक पीस दिखा रहे हैं, ये देख सकते हो, आप इसमें से देखोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। शर्ट भी है बहुत प्यारा सा है, 20 रुपए, ब्लैक बॉर्डर के साथ। भाई आपका नाम क्या है? अबे, और आपका? सोनू। सोनू,
ठीक है, गेट नंबर एक मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है। ये स्टॉल लगती है, डेली लगती है भैया, डेली लगती है, डेली लगती है ये, ठीक है। अच्छा, सैटरडे संडे 11 बजे, बाकी 3 बजे, ठीक है। तो आप 8 बजे के बाद आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भैया की कमिटमेंट है, आकर देखो, विजिट करो। चलो अब हम आगे देखते हैं। टेस्ट कर देंगे, हाँ, और अगर 9 बजे के बाद फ्री कर देंगे, हाँ, तो गाइस आप आ सकते हो 9 बजे, हाँ। तो ये खाने भी बता दिया है, तो आप आके विजिट करो। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। ये देख सकते हो बैग जो कि यहाँ पर मिल रहा है 50 रुपीज़ में, और आगे भी आपको ऐसे ही कलेक्शन मिलने वाले हैं। इनके पास भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसे स्टॉल लाइन से लगे हुए गेट नंबर एक के पास, तो आप देख सकते हो, तो वो आप देख लेना कि आपको क्या चाहिए इनमें से। बाकी अब हम आगे देखते हैं। नाइस, तो गाइस ये स्पोर्ट टी शर्ट है जो कि 20 रुपए में मिल रहे हैं। अब इनकी टाइमिंग का मुझे नहीं पता, बट जो भैया का मैंने आपको दिखाया है, उन्होंने कमिटमेंट किया कि 8 बजे के बाद वो 10 रुपए में दे देंगे, 9 बजे के बाद बिल्कुल मुफ्त। पूरी स्टोरी बताओ। बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, तुम ब्लॉग बना रही थी, तो फिर इसके बाद अभी हम यहाँ खड़े हो गए थे, और मैंने बोला अरे यार ये टी शर्ट कितनी सही लग रही है, और वो बहुत ही गंदी और घटिया थी, दीदी उठा के ले ली। गाइस हुआ क्या था, मैं बताती हूँ। मैं ब्लॉग बना रही थी, तो एक लेडी थी, मतलब लड़की है, तो उसका भी लग रहा था उसे कि ब्लॉग कैप्चर हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये कितना अनॉइंग है। तो मैंने कहा अनॉइंग आपके लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अनॉइंग है, आप किसी की वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा आपकी नहीं बना रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि ब्लॉग बनाना मेरे लिए अनॉइंग नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर भी आप वीडियो बना रहे हो, वो ही अनॉइंग है। मैंने कहा आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। उसके बाद हुआ ये कि हम थोड़ा और आगे आए, और हमने एक और शॉप पे देखा कि तो 20 रुपीज़ के ही टी शर्ट मिल रहे थे। तो रेखा ने ऐसे उठा करके देखा, तो उसने बोला कि ये स्पोर्ट टी शर्ट कितनी सही लग रही है, जबकि वो बहुत ही गंदी थी। और वही लड़की ने ना इंस्टेंट उसे परचेज कर लिया। तो यार ऐसा होता है लड़कियों के साथ कि कोई तीसरा पर्सन ना उसकी किसी भी खराब चीज़ की तारीफ कर दे, तो लड़कियां उसे परचेज कर लेती हैं। तो ये स्टोरी थी। और इधर भी देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल है, हर तरफ आपको स्टॉल मिल जाएंगे। मेकअप, शेकअप, बैग, टी शर्ट, टॉप, क्लचर, इयररिंग, सब कुछ मिलने वाला है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अब हम आगे एक्सप्लोर करते हैं कि हमें और क्या मिलने वाला है। यस, मुझे भी लेना है ये। कितने कितने का मिला ये? 50 का 3। ओके नाइस, मुझे चाहिए साटिन में, साटिन फैब्रिक में है इनके पास। रेड वाली कैसे रहेगी? रेड भी अच्छी है, वाइट है क्या? अच्छी है, निकाल लो, एक निकाल दो, और ये ब्लू भी निकाल दो, प्यारा लग रहा है। वाइट है क्या? वाइट, अरे वाइट नेट में कहाँ है, दिखाना वाइट। देखो ये ऐसे वाले नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, यार प्यारे प्यारे से निकालो रेखा, ये मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं। तुमने ही बोला है ये, बट अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है मेरे बालों में अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो प्यारे प्यारे से निकालो। तुम अगर रेड ड्रेस पहनोगी तो कैरी करोगी? रेड ड्रेस हाँ डाल सकती हूँ। बाकी गाइज आपको 50 के 3 पेयर मिल रहे हैं, मतलब तीन क्लिप मिल रही है, अच्छी दिख रहा है। और ये देखें कुछ इस तरह से, इसे आप अपने बालों में ऐसे क्लिप करो और इसे लगा लो। तो गाइज ये देख लो, एकदम से गुदड़ी बाजार मचा हुआ है। स्लाइडर्स, ट्रेंडिंग स्लाइडर्स है भाई। यार मुझे लगता है कि हम पटरी मार्केट से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छे लग रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहे कैसे हैं। ओके हाँ, तो गाइज यहाँ पर 100-100 रुपए के बैग्स हैं। यार कुछ भी दिखाने का टाइम नहीं है, अच्छे से दूसरा कोई और वो वाला दिखाओ, वो वाला सॉफ्ट टाइप वाला। नाइस, बेबी बैग दिखाना इसका, ये अपने बेबी को देने के लिए अच्छा है, बॉयज खरीद सकते हैं। सॉफ्ट है, नहीं सॉफ्ट नहीं है गाइज, ये भी 100 रुपीज का है ना, वर्थ है 100 रुपीज का ले सकते। ये देखो ना, ये कितना क्यूट लग रहा है, ब्लू नहीं लग रहा है क्यूट? क्यूट है। यहाँ पर छोटे छोटे क्यूट बैग्स मिल रहे हैं, जो आप इसमें अपने मेकअप एसेसरीज वगैरह डाल सकते हो, इयररिंग्स डाल सकते हो। और ये कितने के मिल रहे हैं? 100 रुपीज के। ये दो साथ में है? हाँ। अच्छा, इसके साथ एक ये छोटू बैग भी मिल रहा है गाइस, और ये 100 रुपीज के है, और बहुत ही क्यूट है, तो देख सकते हो। ये छोटू वाला दिखाना, ये प्यारा है ये गाइस। इसके साथ ना ये भी फ्री मिल रहा है 100 रुपीज में, ये फाइनली मिल गया है हमें 100 रुपीज का। 150-150 रुपए में जीन्स मिल रहे हैं। क्वालिटी दिखाना, क्वालिटी भी बढ़िया ही है। 150 में आप देख सकते हो, और थोड़ा सा बार्गेन करोगे तो आपको बार्गेन में भी मिल जाएगा। और ये 50-50 रुपए के स्टॉल्स भी हैं,
जो कि समर्स के लिए सही है, आप फेस कवर करके धूप में जा सकते हो। अब तो धूप थोड़ी कम भी हो गई लेकिन फिर भी गर्मियाँ कम नहीं हुई हैं, तो ये भी देख सकते हो। कार्गो पैंट भी 150 का मिल रहा है। साइज क्या है अंकल उसकी? 34 होएगा, 32, दो ज्यादा बोल दिया मैंने। गाइज गुची का परफ्यूम मिल रहा है यहाँ सरोजनी नगर में। रेखा, अगर आपको कोई गुची का परफ्यूम बेचेगा तो आप क्या रिप्लाई करोगे उसको? जब ब्रांड का ही लेना होता है तो गुची जाते ना, यहाँ सरोजनी क्यों आते हैं? बिल्कुल पॉइंट वाली बात है। तो गाइज अगर आपको ब्रांडेड परफ्यूम लेना है गुची का ना, तो आप सरोजनी बताओ गुची चले जाओ, तो यहाँ पर आपको ब्रांडेड चीजें मिल रही है। तो उसका एपिक रिप्लाई मैंने फाइनली आपको सुना दिया। यस डिस्को करने के लिए भैया भी आ गए। तो गाइस हुआ ये कि ब्रांडेड वॉच मिली इनको 500 रुपीज की, और अंदर जाके जब वो मार्केट में देख रही थी तो उनको वही वॉच 300 रुपीज का मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा लॉस हो गया 300 रुपीज का। तो यहाँ पर आप ब्रांडेड ढूंढने आए हो सरोजनी में, तो आपका तो लॉस होना ही है, तो इसलिए आप ब्रांडेड चीजें सरोजनी में मत ढूंढो गाइस। भाई सरोजनी में हमेशा की तरह भीड़ बरकरार है, चाहे फिर वो रात के 8 बज रहे हो चाहे फिर वो रात के 9 बज रहे हो। आप यहाँ के कलेक्शन देख ही सकते हो, और 150 वाले सेल तो सदा बाहर होते हैं, तो वो भी आप देख लेना। बट अभी हम जो सरोजनी में देखने आए हैं, हम उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। साड़ी और झुमका हम देखने के लिए जा रहे हैं, आप सेल वेल देख लो, इसमें कलेक्शन बहुत सारे, एक एक दिखाना पॉसिबल नहीं है गाइस। ये 90 रुपए की सेल में आपको स्कर्ट मिल जाता है, बहुत ही प्यारा है, दिखाना देख लो, प्यारा लग रहा है। ओ वाओ, जिप वाली भी स्कर्ट है, देखना है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, कलेक्शन भी अच्छे है। एक सेकेंड, कौन सी, ये वाली? और हटाने की, ब्लैक वाली दिखाओ, ब्लैक वाली यार सही लग रहा है, देखना है। ये गाइस देख सकते हो 90 रुपीस के है, और बहुत ही प्यारे स्कर्ट्स हैं, और फैब्रिक भी अच्छे हैं, डिज़ाइन भी अच्छे हैं, तो आप देख सकते हो। सरोजनी और झुमके ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सेल 30-30 के मिल रहे हैं, और कोई भी झुमके ले लो, आपको वेस्टर्न भी मिल जाएंगे, नीचे ऊपर आपको ट्रेडिशनल झुमके मिल जाएंगे। बट ये है ना कि ये थोड़े ज़्यादा हैवी होते हैं, तो बाय करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा लाइट वेटेड चाहिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए ढूंढना, तो टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम लेकर आओ। और देखो ये भी 30 रुपीज़ का, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है गाइस, तो मैं इसे बाय नहीं करना चाहूँगी। दिखाओ, मुझे लगता है ये मेरे पे सही लगेगा, ये चीज ड्रेस पे डालूंगी मैं। ये ट्राई वाला ज़्यादा सिस्टम सही था, वाइट भी अच्छा लग रहा है। ये छोटा बड़ा इसमें सीन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि छोटा लेना चाहिए कि बड़ा। मैं कहूंगी छोटा वाले लो, छोटा वाला दिखाना, क्योंकि पूरे कान में से बड़ा वाला तो हाँ मुझे लगता नहीं है कि गाइज ये 30-30 रुपीस के मिल रहे हैं। और ये छोटा भी है गोल्डन, ये रोज गोल्ड कलर का वाला दिखाना, बड़ा वाला वापस रख दिया क्या? यही आई थॉट, दिखाना। और ये प्योर गोल्ड कलर का है, और ये बड़ा है, तो मुझे लगता है कि बड़ा छोटे में देखो गोल्ड मिलेगा, वो रोज गोल्ड है जो तुमने निकाला है, वो भी चल सकता है। और एक भी दिखाना, और ये वाला, ये लूं या नहीं लूं? सही लग रहा है। और एक ये हटाना है, ये बड़ा है, ये हटाना है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा मतलब बड़ा या छोटा? छोटा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लगा रहे तो ज्यादा वो दिख रहा है। ये वीडियो में देखो क्या कर रहे हैं, हां ऐसे एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। ये देख लो, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं वाइट, तीन और इसका गोल्डन भी निकालो, क्योंकि गोल्डन मेरे पास एक ही है। ब्रो तो यार है ना एक, फिर भी एक और चाहिए मुझे ये, लेकिन ये येल्लो येल्लो नहीं लग रहा बहुत? वही तो, इसीलिए मैं इसको रखी थी। ठीक है तो ये तीन ले लो, और कोई देख सकते हैं शायद अच्छा लोग क्या पूरा ये सिल्वर नहीं, पिंक नहीं, यही ये 30-30 रुपीस के, ये मेटल है आई थॉट। ये देखो ये मेरा वाला जो मैंने लिया है, ये मेटल है यार, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते रेखा। हाँ भाई ना, रोज गोल्ड वाला, ये वाला
ये वाला रखो। हाँ वो नहीं ले रही, ये तो बस दिखा रही थी तुमको। ये बस हो गया ना, इसका पेमेंट करो चलो। हाँ ठीक है, बट एक दो और देख लूँ। ये वाला देखो रेखा, ये वाला, ये वाला इतना ले लो, फुल सारा ले लो, बट उसमें से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सही सा लग रहा है। नहीं लग रहा है, वापस रख दो। तो गाइस ये सब 30-30 का मिल रहे हैं, मैंने गिरा विरा भी दिया इसमें से, लेकिन ये मेटालिक में है तो अच्छा है ये। भाई साहब चलो ओमा। गाइस उसके बाद ये सरोजनी वाला जो गेट है वहाँ से हमने एंट्री कर ली। यहाँ पर देख लो कितनी बड़ी मार्केट लगी है, ब्लेजर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, 100-100 रुपए की टॉप भी मिल जाएगी। ये देखे ऑल सीजन में आपको विंटर कलेक्शन भी देखने मिल जाता है। बाकी भीड़ देख लें, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे लग रहा है इतने सारे लोग शॉपिंग करने आए कैसे है। देख लो जॉगर्स और ये वाइट ड्रेसेस बहुत प्यारे प्यारे है, ये देख सकते हो टॉप टी शर्ट शर्ट सब कुछ है। इधर भीड़ इतनी ज़्यादा है गाइस, तो चलो मैं आपको बताऊंगी और अपडेट घर जाने के बाद, अगर मौका मिला तो और आगे ब्लॉगिंग करूंगी, अदरवाइज़ फिर डायरेक्ट आपसे घर में मिलूँगी, क्योंकि अब जो एनर्जी है ना बिल्कुल डेड हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शायद मैं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू ना करूं। और भीड़ बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, रात के 9 बज चुके हैं और ये देख ले रोड का जो हालत है, और भीड़ अभी भी वैसी की वैसी है, और बाज़ार का भी जो मज़ा है ना बिल्कुल वैसा का वैसा है। थोड़ी भी कमी नहीं है भीड़ की भी, और थोड़ी भी कमी नहीं है इनके वैरायटी की, कपड़ों की कलेक्शन देख सकते हो आप। यहाँ पर मिल रहे हैं 350 की रेंज में, और बार्गेन करके भैया से मैंने 250 की रेंज में ले लिया है, और ये भैया ने पैक कर दिया, और मैंने क्या क्या सामान लिया वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कलेक्शन बहुत सारे हैं, ये भी देख लो, यहाँ पर ट्राउजर और सेल वाले शॉर्ट्स, बैग्स और टी शर्ट सब कुछ है। इधर बड़ा सा इनका ह्यूज कलेक्शन है। चलो इसी ड्रेस के साथ पेमेंट करके अब हम निकलते हैं यहाँ से गाइस। ये वाला कुछ कम करोगे भैया, ये 100 का कम कर दो कुछ। ये बताओ कितने में दे दोगे, ये वाला दिखाओ एक बार, बताओ कितने में दोगे। 230 दे देना मैडम। हाँ मैडम भैया, मतलब कैसा भी मत कर दो यार, 10-20 रुपया बचना होता है, हम लोग कहीं से खरीद के लाते हैं। ये तो टील जैसा बोल रहा है, ये देखो कैसे आवाजें कर रहा है। अरे तो भैया हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ये देख लो भैया कितने में दे दोगे, 100 का कुछ कम कर लो। हम 2-3 ले लेंगे, लेकिन हमें सही रेट बता दो बस। चलो 95 करके लगा देंगे। ये देखो पहले 90, अरे यार 95 बोल रहे हैं, मतलब देखो हम इसमें से 2-3 ले लेंगे, सही रेट हमें बता दो, 80 करके लगा देंगे आपको बस। 60-60 के दे दो ना, खरीद भी रहा था। देख लो देखो 60 बोल, अरे 50 बोल रही हूँ, आपसे कुछ नहीं कमारा मैडम, 10-15 रुपया ये भी पक्का नहीं दोगे, प्रॉमिस नहीं दोगे। 80 करके तो लगा दिया, बोल तो रहा है मैडम, 60 दे दो भैया, हम 2-3 ले लेंगे, बार बार कह रहे हैं। समझ गया मैडम, लेकिन इतना खरीदा नहीं आता ना, मैंने तो आपसे 1 रुपया भी नहीं कमारा, ईमानदारी से पूछ। चलो अच्छा जाने दो भैया, कोई बात नहीं, चलो लेकिन अच्छे थे। क्या लिया? आप देख सकते हो रात के 10 बजे का टाइम है और सरोजनी का माहौल कुछ ऐसा है, और यहाँ पर सेल वाली बॉटल्स, इयररिंग्स, स्लीपर्स और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाकी हमने इतने सारे सामान ले लिए हैं कि शायद हो सकता है कि आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि तो जो मैंने परचेज़ किया है वो मैं आपको दिखा दूँगी, और उसका एक्चुअल प्राइस और बार्गेन का जो प्राइस है, जितने भी डिफरेंसेस आए हैं वो सब आपको बताऊँगी। बाकी यार ये देख लो 10 बजे के टाइम में भी बिल्कुल भी, ये देख सकते हो एनर्जी में कोई कमी नहीं है रात के 10 बजे भी। बाकी यहाँ पर हर सीज़न में आपको ये विंटर के जैकेट वगैरह भी देखने मिल जाएंगे, और ये भी देख सकते हो हैंड ब्रेसलेट्स, वाइट कलर के जो शर्ट होते हैं वो सरोजनी के तो सदाबहार कलेक्शन में से एक है। ये देख सकते हो गोल्डन ज्वेलरीज, एंड इधर देखोगे तो स्लीपर जो कि 250 की रेंज में आपको हर जगह मिलने वाला है, और ये 200 की सेल में टी शर्ट्स मिल जाएंगी। उसके आगे देखोगे 250 की रेंज में कुर्ता सेट और नाइट सूट है, स्लीपर्स है, टी शर्ट्स है। इधर देखोगे बच्चों के कलेक्शंस हैं, और ये बैग जो 50-50 रुपीज़ में सेल करते, और ये देख लो चश्मा, बेल्ट और वॉच जो ब्रांडेड बोल करके बेचा जाता है यहाँ पर। बाकी ये देख सकते हो लैम्प वैम्प भी डेकोरेट करने के लिए,
और स्टार्टिंग के जो बैग के कलेक्शन है और इस तरफ जीन्स और एस्थेटिक बैग्स के, और ये बैग पैक हो चुका है। यहाँ पर फ्रूट्स मिल रहा है और इधर आप खाना चाहो तो खा सकते हो। और ये रहा सरोजनी का साउथ विंग गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी, और अब फाइनली यहाँ से हो रही है एग्जिट। तो चलिए अब हम यहाँ से एग्जिट करके घर पर मिलते हैं आपसे गाइस। मेट्रो के गेट के सामने इतनी सारी पटरी मार्केट लग गई है और भीड़ भाड़ देख सकते हो। और इसी के लिए ये पटरी मार्केट वाले व्लॉग्स नहीं बनाने देते, वीडियोस नहीं बनाने देते, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पर पुलिस वाले ऐसे स्टॉल्स लगाने को मना करते हैं, बट ये लोग मानते नहीं हैं। देख सकते हो आप गेट नंबर 1 के बाहर आप इस तरह से भीड़ देख सकते हो। तो ये आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ठीक है, इनके पेट का सवाल है, इनके खर्चे का सवाल है। बाकी थोड़ा सा आप देखोगे तो डिसिप्लिन का भी सवाल है, जो कि ये लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। और इस तरह की भीड़ के साथ अब हम एंट्री कर रहे हैं मेट्रो में। ओके गाइस, तो हमने सरोजनी से शॉपिंग करके बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो ये वो वाली कहावत है, मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी, राइट? हाँ, जमीन चल रही है, मैं तो ये देख सकते हो वहां तक लोग चले गए और ये चल रहा है लिटरली, और हम इस पे थक हार के बैठ चुके हैं। तो अब बेचो, क्या बेच रही थी तुम? पूड़ी ले लो। मैं बेच नहीं रही थी, गांव में कभी खाना खाया है? वैसे चिल्लाते रहो, पूड़ी ले लो, सब्जी ले लो, पानी का बॉटल ले लो, अभी दिखाओ पानी का बॉटल ले लो भैया। यार बैग में पकड़ लेते, बहुत गाइस हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। मैंने तो बहुत कम की है, तीन चार इयररिंग्स। इनको दिखाना था, ये नहीं कि एक झोला लेके आए, सरोजनी जा रही है तो अलग झोली लेके आई है जिसका वेट 1 किलो से ज्यादा है। चलो उठ जाओ, पहुंच गए। उठो भाई। ओके गाइस, हम पहुंच गए हैं और ये चलते हाँ यार, वाइट जीन्स थी, बैठना नहीं चाहिए था, बट ठीक है। तो गाइस ये मस्ती मजाक चलता रहेगा, आप देखते रहना। ओके, हम लोग बैठे हुए थे इसलिए ये देख सकते हो, पीछे जो लड़के थे ना वो लोग भी बढ़िया यार, आगे और है हमारे लिए, तो हम यहाँ पर भी बैठते हुए जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, फाइनली आई एम बैक, और मैं स्टार्टिंग में बहुत प्रिटी लग रही थी, अभी बिल्कुल भी प्रिटी नहीं लग रही है, और बहुत ज्यादा लेट हो गया घर आने में, क्योंकि पहले हम सरोजनी गए, सरोजनी में एक्सप्लोर करते करते रात हो गई थी, रात होते होते फिर हम पहले करोल बाग गए एंड वहां पे हमने मोमो वगैरह खाया, और फिर उसके बाद मैं अपना बर्ड स्कूल गई थी, तो वापस से उसे लेने के लिए मुझे रूम पर जाना पड़ा रेखा के, और फिर वापस मैं आई, और आपको पता है लास्ट जो मेट्रो होती है वो कितनी स्लो चलती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा थक गए हम। तो क्या क्या सामान लिया है, क्या क्या चीजें ली हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और जो मैंने परचेज किया है वो ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि अब बाकी के सामान उनके पास हैं एंड मेरे सामान मेरे पास हैं, तो सबका बंटवारा भी हो चुका है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, देखते रहिएगा दिल से प्यार से। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो, तो चलिए देखते रहिएगा दिल से प्यार से। बाय बाय गाइज़।